नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप। एक नजर सरकार की तरफ, एक नजर दुनिया की तरफ ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि आज का वीडियो का टॉपिक है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, फ्री स्कूटी योजना और इस योजना के अंतर्गत आपको कैसे लाभ लेनी है, ये सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। जैसा कि आपको अभी हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड किए हुए हैं, तो आपको ये सारी चीजें लिस्ट आपको देख सकते हैं कि कितने बच्चों का ये सारी चीजें जानकारी दी गई है कि इन इन बच्चों को स्कूटी देने की जो प्रस्तुति है, परमिशन है, वो ग्रांट कर दी गई है। तो अगर आप भी इसके अंतर्गत लाभ अभी तक वंचित है तो आप लाभ ले सकते हैं। अगर हाँ, अगर कोई त्रुटि है तो अभी मैं राजस्थान का बता रहा हूँ, तो अगर राजस्थान का बता रहा हूँ तो अभी तक 24 सितंबर तक आपके लास्ट डेट है, आप सुधार कर सकते हैं ताकि कोई गलती के कारण आपका छूट रह न जाए आपको स्कूटी लेने से। तो चलिए मैं आपको इसमें का जो जानकारी है, मुख्यतः आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या चीजें नहीं ध्यान में रखनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और आपको कैसे अप्लाई करना है तो इसका मैं ऑफिशियल साइट बता देता हूं। तो इसका ऑफिशियल साइट जैसा कि आप देख सकते हैं, ये राजस्थान का है, मेनली मैं राजस्थान का बता रहा हूं। आपको एक डिबेट भी बताता हूं, जो कि डिबेट था कि कांग्रेस जब आई सत्ता में आने की, मतलब जब चुनाव हो रहे थे इसके प्रधानमंत्री वाला, प्राइम मिनिस्टर वाला, इसमें कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम अपने जितने भी छात्राएं उनको स्कूटी योजना का प्रावधान के तहत हम सबको स्कूटी बांटेंगे। लेकिन यहां पर उल्टा दिखाई देने को पड़ रहा है कि ये जो कांग्रेस की जो अपनी आइडियोलॉजी थी, उनकी सोच थी, यहाँ पर कॉपी की जा रही है बीजेपी के तहत। तो आपका क्या राय है, आपको क्या लगता है कि आइडियोलॉजी और जो कांग्रेस का जो पलटवार है आपको कैसे देखना चाहिए? लेकिन हम फिलहाल इस पे बात करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट, आपको यहाँ से अगर रजिस्टर करना होगा तो आपको किसी भी साइट से रजिस्टर करना होगा और आप जाकर वहां से फिर से आपको एक फॉर्म मिल जाएगी, आप प्रोसेस कर लेंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बता देता हूं उसमें क्या आपको करना है। तो सबसे पहले चलिए मैं जान लेते हैं कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या क्या है और इस योजना के तहत आपको और सारी चीजें क्या लाभ मिलने वाली है। तो सबसे पहले देव, इसका तो पूरा फुल नाम है देव नारायण स्कूटी योजना। और इस योजना के तहत आपको बता दूं तो ये जो योजना कह रही है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, करने से पहले उम्मीदवार नीचे बताई गई पात्रता जांच कर सकते हैं। जैसे कि इस योजना का केवल, और मैं हाँ, 1 लाख जो, जैसे कि जो भी छात्राएं हैं अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसमें 1 लाख आपके घर की आय की न्यूनतम होनी चाहिए, यहाँ तक कि इनकम सर्टिफिकेट भी इसमें लगता है। और योजना के लाभ कोई भी विधवा या विवाहित या अविवाहित छात्र उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको केवल छात्राएं के लिए है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर वो विधवा है या फिर उनकी शादी हो चुकी है तो वो भी सारी चीज़ें इसमें अप्लाई कर सकती हैं। चल रही शिक्षा के बीच में किसी तरह के गैप होने पर भी विधिक सहायता राशि दी जाती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो इसमें आपको 10,000 तक की जो प्रोत्साहन योजना है कि अगर आपको 75% से ऊपर है, अगर उसमें नाम आ जाता है तो आपको उसमें भी दी जाती है 10,000 की राशि दी जाएगी, जो कि आपके पढ़ाई में मददगार होगा। अगर इसमें, अगर आप किसी भी स्कूल से हैं, किसी भी महाविद्यालय से हैं, किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आप इसमें जरूर अप्लाई करें और इसका बेनिफिट लें। और इसमें मैं आपको बता दूं तो क्या क्या और बेनिफिटेड है, तो जैसे कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप किसी भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय से अगर आप पढ़े हुए हैं उसमें जाकर आप अपना सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट है अप्लाई करके आपको जाकर सबमिट करनी होगी। और उसके बाद से ये राजस्थान का है, मेनली मैं राजस्थान का बता रहा हूँ। आप अपने जो जिस भी स्टेट से होंगे आप अपने स्टेट ऑफिशियल साइट पर जाके उस पर सर्च कर सकते हैं क्या ये योजना हमारे राज्य में है कि नहीं है। और उसके बाद से आपको देखिए जाति प्रमाण पत्र होगा आपके पास और आधार कार्ड की कॉपी लगने वाली है और शपथ पत्र, जिसमें लाभार्थी किसी भी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहा है, जैसे कि चाहे वो स्टेट हो चाहे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। इसमें आपको जो योजना है 10,000 का प्रोत्साहित योजना वो भी मिलेगा स्कॉलरशिप के तहत में, और आपको स्कूटी भी दी जाएगी। और छात्रा के माता पिता सरकारी नौकरी से नहीं होनी चाहिए और छात्रा के माता पिता के आय का 1 लाख से ज़्यादा सालाना नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 लाख से ज़्यादा होगा तो फिर आपकी जो अप्लाई किया हुआ हो रहेगा आपका फॉर्म वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और आवेदक के पास पिछली परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट फोटो साइज, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर कुछ मैं और भी बता दूं, देवनारी फ्री स्कूटी योजना के प्रोत्साहन राशि योजना, जिसमें से कि आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया कक्षा छात्र 12 कक्षा के स्नातक अगर प्रथम वर्ष में जा रहे हैं तो आपको 12 की मार्कशीट देखी जाएगी कि आप कितने परसेंटेज पाए हैं, उस अनुसार से अगर 75% से अगर आपका ऊपर है तो 10,000 रुपये प्रति वर्ष आपको दिए जाएंगे जब तक आपका ग्रेजुएशन हो जाता है। और उसके बाद से अगर किसी ग्रेजुएशन में
तो आपको ग्रेजुएशन के समय जो आपका लास्ट ईयर का होगा वो ग्रेजुएशन की मार्कशीट में देखी जाएगी कि आप कितना परसेंटेज पाए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी प्रकार जो छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई कर रही है प्रथम वर्ष में 75 अंक प्राप्त होंगे तो उन्हें 20,000 प्रति वर्ष सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर अगर पहले ईयर में तो 10,000, उसके बाद से 20,000 और आपके पास स्कूटी भी मिल रही है, इससे बड़ा क्या बेनिफिट चाहिए भाई, क्या लाभ चाहिए। आप जरूर अप्लाई करें इसमें, अगर अभी तक नहीं किए हुए हैं तो मेरा यही सजेशन होगा, यही राय होगा, आप जरूर इसमें अप्लाई करें। और इस योजना के अंतर्गत कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा रिजल्ट के जरिए चुने गए 10,000 छात्रों को लाभ प्रदान की जाएगी, यानी पूरे राज्य में जितने भी 75% से ऊपर है 10,000 से आपको पूरी कॉन्टेक्ट बनाए रहनी चाहिए। आपके स्कूल के जो मतलब हेडमास्टर है या फिर जैसे कि वाइस चांसलर है, इन सारी चीज़ों से आपके डिपार्टमेंट में उन सारे से आपका संबंध अच्छा होगा, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस होंगी। आप समझ रहे हो मेरे बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पूरा स्मूथ तरीके से होगा। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से उन महिलाओं को भी लाभ प्रदान किया जाएगा जिनकी शादी हो गई है और जिनकी विधवा है, जिनका अविवाहित है, ये सारी चीज़ें आपको लाभ मिलने वाली है। 20,000 किसको, जो ग्रेजुएशन कर रहा है, 10,000 जिसको जो फर्स्ट ईयर में आ रहा है, और स्कूटी तो मिल ही रही है। तो भाई अप्लाई कर दो, अप्लाई नहीं किए हो तो अगर ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको साइड भी बता दिया, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं जिससे कि मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।